ओम ह्रीं अर्हं रमूचिनाणं वीतराग सर्वज्ञ अरिहंत महाप्रभु के पवित्र कुल में हमारा जन्म हुआ। तो अब जहाँ हमने जन्म लिया वहाँ तीन नियम हमारे सामने रखे। पहला नियम क्या है? पहला नियम है प्रतिदिन देव दर्शन, अर्थात कम से कम रोज मंदिर जाना। इसकी सारी विधि आपको अच्छी तरह पहले बतला दी गई। सेकंड नियम है रात्रि भोजन त्याग, और तीसरा नियम है पानी छानकर पीना। तो आइए आज हम रात्रि भोजन त्याग पर विचार करते हैं, चर्चा करते हैं। रात्रि भोजन त्याग अर्थात सूर्य अस्त होने के बाद भोजन ग्रहण नहीं करना। आइए देखते हैं क्यों ये नियम धारण करना है। क्योंकि हमारा मेन मोटिव, मेन धर्म, मुख्य धर्म है अहिंसा, और अहिंसा की सिद्धि के लिए, अहिंसा की उपलब्धि के लिए हमें हमारे सारे कार्य करने हैं। इसलिए जितने जितने धार्मिक अनुष्ठान हैं, धार्मिक क्रियाएं हैं, नियम हैं, व्रत हैं, उन सबका मेन मोटिव है जिनेंद्र भगवान के शासन में अहिंसा, अर्थात हमारी क्रिया से दूसरे जीवों को परेशानी ना हो, दूसरे जीवों का जीवन संकट में ना आए। हम रात्रि में भोजन नहीं करेंगे तो हमारे प्राण चले जाएंगे, तो फिर आप रात्रि में भोजन करो, कोई बात नहीं। लेकिन जो आपको पता है कि यदि हम शाम को भोजन कर लेंगे और रात्रि का भोजन छोड़ देंगे तो हमारे प्राण नहीं जाएंगे। अगर ऐसा होता तो लाखों लाखों जैन अच्छी तरह इस नियम का पालन कर रहे हैं और वे शाम के बाद पानी भी नहीं पीते, फिर भी वे सुबह तक सुरक्षित मिलते हैं। अगर आपके सामने ऐसा कोई एग्जाम्पल है कि जो शाम को पानी भी नहीं पीता सूर्यास्त के बाद और वो सुबह सुरक्षित है, बस इतना यदि आपने देख लिया अपनी आंखों के सामने, तो फिर आपको आश्चर्य करने की बात नहीं है। आप उसी समय ये नियम ले सकते हैं कि अब हम रात्रि में भोजन तो नहीं करेंगे। ठीक है, देखते हैं। दिन में सूर्य की किरणें जीवों को उत्पन्न नहीं होने देती। जैसा हम देखते हैं कि बारिश के दिनों में सूर्य अस्त होते ही बिजली के बल्ब पर कीड़े आने लगते हैं, जबकि वे दिन में दिखाई नहीं देते। अच्छी तरह इस चीज़ को प्रैक्टिकली, अभी बरसात का मौसम है, आप अच्छी तरह प्रैक्टिकली देख पा रहे हैं अपनी आँखों से। और इन दिनों बहुत सारे आपके आजू बाजू में रहने वाले जो लोग नियम से रात्रि में भोजन करते थे, वो लोग भी अभी इन दिनों शाम को भोजन कर लेते हैं और कहते हैं भैया रात को बहुत कीड़े होते। तो जब प्रत्यक्ष में कीड़े दिखने लगे तब तो आप रात्रि में भोजन छोड़ दे, लेकिन जब प्रत्यक्ष में नहीं दिख रहे हैं तब भी भगवान की आज्ञा है कि वे भली आंखों से दिखाई नहीं देते हैं लेकिन वे उस समय मौजूद हैं। तो उनका प्रेजेंस, क्योंकि पूरे तीनों लोकों में अनंतानंत जीव भरे पड़े हैं, वे जीव प्रति समय उत्पन्न होते हैं, मरते हैं। जब तक सूर्य का प्रकाश है तब तक उन जीवों की उत्पत्ति कम होती है, लेकिन जैसे ही सूर्य का प्रकाश खत्म होता है उनकी उत्पत्ति बढ़ जाती है। इससे सिद्ध है कि दिन में जीवों की उत्पत्ति बहुत कम होती है, इसीलिए हमको दिन में ही भोजन करना और बनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम तो दिन में करते हैं लेकिन रात में बनाएं तो नहीं। नियम तो यह होना चाहिए कि हम रात्रि में बनाएंगे भी नहीं। अच्छी तरह ये ध्यान रखना है कि रात्रि में बनाने पर भी उतना ही पाप है जितना कि रात्रि में खाने पर। रात्रि में भोजन करने से मांस भक्षण करने का दोष लगता है। रात्रि में भोजन करके सो जाने पर पाचन क्रिया भी खराब हो जाती है। बहुत अच्छी तरह डॉक्टर्स भी, जब किसी को फैट ज़्यादा हो जाए,
जब किसी को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो तब उनसे कहते हैं भाई तुम शाम को हल्का भोजन करना, या फिर सूर्यास्त के पहले भोजन करना, या फिर सोने के 2 घंटे 3 घंटे पहले भोजन करना। क्यों कह रहे हैं ये? क्योंकि इसी तरह से शरीर को स्वस्थ रखा जा सकता है, जिससे कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। रात्रि में भोजन करते समय सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों का अभाव रहता है और हमें पूर्ण रूप से विटामिन डी नहीं मिल पाता, अतः भोजन के पचने में परेशानी आती है और वह भोजन वहीं पर पड़ा पड़ा सड़ने लगता है। अतः भोजन दिन में ही करना चाहिए। भोजन हम करते क्यों हैं? भोजन हम करते हैं अपनी क्षुधा को मिटाने के लिए। तो क्या दिन में नहीं मिट सकती क्षुधा? अगर मिटती है तो हमको रात्रि में भोजन कभी नहीं करना चाहिए। और अच्छी तरह मैं आप सबको कह देना चाहता हूँ, माँ के ऊपर, गृहिणी के ऊपर, स्त्री के ऊपर, पत्नी के ऊपर सारे घर की जिम्मेदारी होती है। यदि वो व्यवस्थित शाम को ही अच्छे व्यंजन बना के खिला दे तो कोई भी रात्रि में भोजन नहीं करेगा। लेकिन जब माँ स्वयं प्रमादी हो जाए, जब माँ स्वयं ये सोचे कि कोई बात नहीं शाम को देर तक चलेगा, तो फिर आगे चलकर सब व्यवस्थाएं बिगड़ जाएं। इसलिए जितना धर्म है, हम तो ये मानते हैं धर्म माताओं के अधीन है। यदि माँ चाहे तो सबको धर्मात्मा बना सकती। क्या करे, वो शाम के समय अच्छे अच्छे व्यंजन बना के खिला दे। अब व्यंजन बनेंगे तो सब और जल्दी खाएंगे, और खाएंगे और खाकर वहां फ्री हो जाएंगे, तो वह खाएंगे तो फिर रात्रि में जल्दी से भूख लगेगी नहीं, तो वहां पर वो बच सकते हैं रात्रि भोजन करने से। अब रात्रि में भोजन करने से बहुत सारे के सारे दोष जो हैं वो आपको बतला दिए। आपको और उनके विषय में विस्तार से जानना है तो उन पर अपन देखते हैं। रात्रि में भोजन क्यों नहीं करना चाहिए? तो इसका एक मुख्य कारण बतलाया, सूर्य के प्रकाश का अभाव होने से बहुत सारे जीवों की उत्पत्ति होती है। अब बहुत सारे लोग ये कहने लगे कि भगवान महावीर स्वामी के समय में रात्रि में लाइट नहीं थी, इसीलिए वो ऐसा कह रहे थे। लेकिन आज तो हमारे यहाँ 24 घंटे लाइट है, तो अब तो कीड़े दिखते नहीं। और भैया जी, हमारे घर में तो कीड़े होते ही नहीं। कीड़े तो कहाँ होते हैं? बाहर खुले स्थानों पर। हमारे यहाँ तो एक भी कीड़ा नहीं होता। तो आपको अच्छी तरह समझाते, सूर्य की किरणों में पैरा बैंगनी अर्थात अल्ट्रा वायलेट एवं अवरक्त मतलब इंफ्रारेड नाम की किरणें रहती हैं। इन किरणों के कारण दिन में सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति नहीं होती। सूर्य के अस्त होते ही रात्रि में जीवों की उत्पत्ति प्रारंभ हो जाती है, मात्रा बढ़ जाती है। यदि रात्रि में भोजन करते हैं तब उन जीवों का घात हो जाता है, जिससे हमारा अहिंसा धर्म समाप्त हो जाता है। हमने नियम लिया था, हे भगवान, जैसी आत्मा हमारे अंदर है वैसी दुनिया के हर जीव के अंदर है, तो हम कम से कम जीव घात हो ऐसा भोजन, ऐसी क्रिया, ऐसा आचरण बनाएंगे। लेकिन ये तो सब उल्टा हो जाएगा। एवं पेट में भोजन के साथ साथ छोटे छोटे जीव जंतु पहुंच जाते हैं, इससे अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। क्या लाइट में, लाइट जलाकर भोजन किया जा सकता है? अब रात में हमारे घर में तो बड़ी अच्छी लाइट है और तेज लाइट है, इसलिए उसमें भोजन करने में क्या दिक्कत? तो कहते हैं नहीं, यदि दिन में लाइट जलाते हैं तो लाइट के आसपास कीड़े दिखाई नहीं देते, क्योंकि दिन में कीड़े कम उत्पन्न होते हैं, वे सूर्य के प्रकाश के कारण यहाँ वहाँ छिप जाते हैं। रात्रि में लाइट जाती है तब और भी ज़्यादा कीड़े उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार लाइट में रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, दिन में लाइट अर्थात सनलाइट में ही भोजन करना चाहिए। सूर्य के प्रकाश की अपनी एक महिमा है, जब तक वो रहता है तब तक बहुत सारे जीवों की उत्पत्ति नहीं होती, और जैसे ही वह जाता है तो बहुत सारे कीड़े, बहुत सारे छोटे छोटे जीव उत्पन्न होने लगते हैं। वर्तमान विज्ञान रात्रि भोजन ना करने के बारे में क्या कहता है? अब लोग कहते हैं विज्ञान कुछ कहे तो हम फिर भी मान लें।
मानो डॉक्टर लिख के दे दे कि भैया रात्रि में नहीं खाना, तो हम नहीं खाएंगे। हाँ, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे हैं, और भगवान महावीर स्वामी थोड़े ना पढ़े लिखे थे, वो तो स्कूल गए नहीं, तो पढ़े लिखे लोगों की बात मानेंगे, भगवान महावीर की क्यों मानेंगे। अब डॉक्टर कागज पे लिख के दे दे कि भैया सबको कैसा फिल्टर्ड वाटर पीना है, तो हम एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे, डॉक्टर ने लिख के दिया कागज पे। हाँ, उसके बाद डिग्री भी थी, हमने डिग्री भी देखी थी। अब भगवान महावीर स्वामी के पास तो कोई डिग्री थी नहीं, और उन्होंने कहा था पानी छान के पीना, तो पानी छान के पीना आपको कैसा लग रहा है? बहुत बुरा लग रहा है। वहां कह रहे हैं फिल्टर्ड वाटर, फिल्टर्ड वाटर मतलब छना पानी, शब्द बदल गया, स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए आपने शब्द बदल दिया। भगवान महावीर स्वामी ने कहा रात्रि में भोजन नहीं करना, तो आपको कैसा लग रहा है? ये तो बहुत पुरानी बात है, इट्स ओल्ड थिंकिंग। उस समय लाइट नहीं थी, इसलिए ऐसी प्रॉब्लम थी। अब डॉक्टर आपको लिख के दे रहा है, क्या लिख के दे रहा है? आपको 6 घंटे तक भोजन नहीं करना है, तो फॉलो कर पाएंगे? कर पाएंगे। डॉक्टर लिख के दे रहा है रात्रि में नहीं खाना, रात में खाने से आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप छोड़ रहे हैं? हाँ, छोड़ रहे हैं। अब पढ़े लिखे लोग क्या कह रहे हैं? पढ़े लिखे लोग कह रहे हैं इंटरमीडिएट फास्टिंग, उसमें क्या होता? उसमें 12 घंटे तक कुछ नहीं खाना होता, तो क्या करते? शाम को 6 बजे खा लेते हैं, फिर सुबह दूसरे दिन 6 बजे 7 बजे नाश्ता करते, तो अब चल रहा है? हाँ, चल रहा है। तो भगवान महावीर स्वामी कैसे थे? पढ़े लिखे नहीं थे, या हम तो आपसे कहें भगवान महावीर सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे, बस उनको ये नहीं पता था कि आप लोग इतनी ज्यादा पढ़े लिखे हो जाएंगे कि उनको भी समझने में गलती कर देंगे। अब शाहरुख खान अक्षय कुमार एक एडवर्टाइजमेंट में कहता है, क्या कहता है? मैं रात्रि में भोजन नहीं करता, मैं तो शाम को ही खा लेता हूँ, इससे मेरी फिटनेस अच्छी रहती है, मेरी बॉडी अच्छी रहती है। तो उसके फॉलोवर्स जितने हैं विशा, वो भगवान अक्षय कुमार ने ऐसा कहा है, तो भगवान अक्षय कुमार की बातें सबको अच्छी लगने लगी। वही बात भगवान महावीर स्वामी ने कही, तो महावीर स्वामी तो बहुत पुराने हैं, ओल्ड एज, उस समय अलग स्थितियां थी, आज की स्थितियां अलग। 12 बजे तक तो हमको फोन चलाना होता है, अब 12 बजे तक जब फोन चलाएंगे तो भूख तो रात में लगेगी लगेगी, तो हम खाएंगे। इस प्रकार पूरा सिस्टम बिगड़ गया है। क्या करना? हमको ये विश्वास अपने अंदर डेवलप करना है, भगवान महावीर ने कहा है सो हमको मानना है। भगवान महावीर ने 3 नियम तो दिए, कम से कम 3 नियम तो हम भगवान महावीर के मानने वाले हैं, तो 3 नियमों का पालन तो करेंगे ही करेंगे। वर्तमान विज्ञान का कहना है कि सूर्य प्रकाश में ही भोजन का शीघ्र पाचन होता है, अतः दिन में ही भोजन करना चाहिए। भोजन करने के शयन करने से भोजन का पाचन सही नहीं होता, इससे शयन के 3 या 4 घंटे पहले भोजन कर लेना चाहिए। अब ये नियम आप पे लागू होगा नहीं? क्यों नहीं होगा? हम लोग कहेंगे हम तो 12 के बाद सोते हैं, 12 के बाद सोते हैं तो 8-9 बजे तक तो खा सकते हैं, लेकिन ये नियम कब था? जब लोग 9 बजे 10 बजे सोते थे, तो उनको कहा जाता था भैया 3-4 घंटे पहले खा लेना। और आज भी डॉक्टर ये कहते हैं कि खा के तुरंत नहीं सोना, कम से कम 1000 कदम 100 कदम आपको टहलना है। तो अब ये क्यों सिस्टम बता रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता चल गया आप लोग भगवान की नहीं मानते, जो भगवान की नहीं मानता उसे डॉक्टर की माननी पड़ेगी। इसलिए भगवान ने आपको कहा कि आप मंदिर आओ तो पैदल चलना हो जाएगा, रात्रि में भोजन नहीं करोगे तो वजन वैसे ही कंट्रोल हो जाएगा, तो दोनों चीजें आपके बेनिफिशियल थी, भगवान महावीर को इसमें कोई निजी स्वार्थ नहीं था। क्या आयुर्वेद रात्रि भोजन करने का समर्थन करता है? नहीं, आयुर्वेद में लंघन उपवास भी कराते हैं, तब उसकी पारणा भी दिन में ही कराते हैं, एवं वैद्य भी औषध दिन में 3 बार लेने की कहता है, प्रायः प्रातः मध्यान्ह और संध्या को, रात्रि में नहीं। आयुर्वेद में तो औषध ही तक मना की है रात्रि में, ठीक है। क्या प्राकृतिक चिकित्सा रात्रि भोजन का समर्थन करती है? नहीं, प्राकृतिक चिकित्सा में रात्रि में मात्र पेय देते हैं, अन्न नहीं। ये भी ध्यान से समझना, भैया जी हम सब छोड़ दें क्या? नहीं, सब नहीं छोड़ना है, जितना कुछ आपसे बन सके उसके विषय में आगे हम विचार करेंगे कि कितना छोड़ना है, अभी स्टार्टिंग तो करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं से। क्या अन्य धर्मों में भी रात्रि भोजन के संबंध में कोई चर्चा है? क्योंकि ये तो जैन धर्म की बातें हो गई, अब हम लोग तो जैन है तो मानने को तैयार है, लेकिन जब तक अन्य लोग हमारे आस पड़ोस में, क्योंकि सब लोग खा रहे हैं हम नहीं खाएंगे, तो भैया जी कल हम पार्टी में नहीं जा पाएंगे। हाँ, बहुत सारे लोगों के साथ दिक्कत है, वो किसी डिनर में नहीं जा पाते हैं, किसी पार्टी में जाने में उनको प्रॉब्लम होती है, फिर उनके जो फ्रेंड्स लोग होते हैं वो दूर होने लगते हैं। कई लोग कहते हैं
भैया जी हमारे तो फ्रेंड्स लोग इसीलिए नाराज रहते क्योंकि हम कहीं भी जाते उनके साथ कुछ नहीं खाते, तो उनको भी सब समाधान यहाँ पर देंगे। तो कहते हैं महाभारत के शांति पर्व में लिखा है, क्या लिखा है, चत्वारी नरक द्वारम, चार नरक के द्वार हैं। प्रथमम रात्रि भोजनम, पहला रात्रि भोजन है। अब महाभारत खुद कह रहा है कि भैया नरक में जाना हो तो रात्रि में भोजन करो। अब जो लोग रात्रि में भोजन करते हैं उनको आप बता सकते, भैया आपके ही ग्रंथ में लिखा है, हमारे में नहीं, ये आपका ही ग्रंथ है महाभारत, उसके शांति पर्व में लिखा है चत्वारी नरक द्वारम प्रथमम रात्रि भोजनम, पहला रात्रि भोजन। नरक के चार दरवाजों में पहला द्वार है रात्रि में भोजन करना। अब देखो मार्कंडेय पुराण में क्या लिखा, अन्नम मास समम प्रोक्तम मांडिके महर्षिणा। जो मार्कंडेय नाम के ऋषि हैं उन्होंने कहा है कि रात्रि में अस्तांगते दिवानाते आपो रुधिरम उच्यते, अन्नम मास समम प्रोक्तम मार्कंडेय महर्षिणा। कह रहे हैं कि मार्कंडेय नाम के महर्षि कहते हैं कि जब दिननाथ अर्थात सूर्य अस्त को प्राप्त हो जाता है तब आपो मतलब पानी कैसा हो जाता है, रुद्रम उच्चते खून के समान है, और मांस अन्नम मांस समम प्रोक्तम और अन्न मांस के समान है। ये कौन कह रहा है, ये 18 पुराण जो वैष्णव धर्म में मान्यत हैं उनमें एक कथन मिलता है। इसी तरह मार्कंडेय पुराण में एक और मिला, ऐसे एक ऋषिश्वर भारत नाम का ग्रंथ है उसमें भी इस प्रकार का कथन है। रात्रि भोजन के त्याग में अन्न का त्याग या सभी पदार्थों का त्याग, हाँ ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है, हाँ ज्वलंत मुद्दा है। लोग रात्रि में भोजन का त्याग अन्न का त्याग तो कर देते, फिर उसके बाद क्या होता, बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ चढ़ाई जाती हैं, आलू की चिप्स बनाई जाती हैं और सिंगाड़े का बनाया जाता है और अन्य अन्य पकवान रात्रि में बहुत टेस्टी स्वादिष्ट। तो बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि हम शाम का भोजन अवॉइड करते हैं, क्यों अवॉइड करते हैं, रात्रि में व्यंजन खाने को मिलते हैं तो इसलिए केले की चिप्स हैं, बहुत सारे आइटम्स शाम को मिले रात्रि में मिलेंगे खाने को। तो समझना यह है कि मूलभूत रात्रि भोजन त्याग में चारों प्रकार के आहार का त्याग है। चारों प्रकार के आहार कौन कौन से हैं, तो पहला खाद्य मतलब खाने वाली सामग्री, पेय मतलब पीने वाली सामग्री, उसके बाद लेह मतलब चाटने वाली सामग्री जैसे रबड़ी आइसक्रीम आदि, और फिर स्वाद, स्वाद मतलब चखने के लिए जो मुखवास के रूप में सौंफ सुपारी या लौंग इलायची ये सब चीजें। तो इन चारों प्रकार के आहारों का अच्छी तरह त्याग करना, ध्यान से सुने पहले फिर से, खाद्य पेय लेह और स्वाद। तो सबसे पहले खाद्य, खाद्य में क्या, रोटी बाटी चावल मोदक लड्डू आदि, ठीक है। पेय, पेय मतलब दूध शरबत पानी ठंडाई आदि जूस। फिर लेह, लेह मतलब रबड़ी आम का रस कुल्फी आदि। फिर स्वाद, लौंग इलायची सौंफ आदि। ये सब चारों प्रकार के आहार जल मूल आगम में इसी प्रकार का वर्णन है, आपको चारों प्रकार के आहार जल का त्याग करना है। चारों प्रकार के आहार जल का यदि कोई जीव एक साल के लिए त्याग करता है तो उसे 6 महीने के उपवास का फल मिलता है। हाँ ये आपको अच्छी तरह समझ में आना चाहिए कि एक भी उपवास जिनसे करते नहीं बनता वो रात्रि में चारों प्रकार के आहार जल का त्याग कर सकता है। शाम को 6 बजे भोजन करे और 6 बजे नियम ले ले कि अब सुबह 6 बजे तक के लिए चारों प्रकार के आहार जल का त्याग, तो क्या होगा, उसको 2 दिन में एक उपवास का फल मिल जाएगा। तो ऐसे 6 महीने के उपवास का फल उसको मिल जाता है, मिल सकता है, इसलिए अच्छी तरह यह करना। अब क्या करना, अब भैया जी इतना बड़ा नियम तो किसी से बनेगा नहीं, हाँ हम लोग बहुत बड़े एक मॉडर्न एज में रहते हैं, सब कुछ छोड़ दें ऐसा तो बनता नहीं। तो क्या करो, कम से कम संकल्प पूर्वक एक नियम ले सकते। क्या नियम है, नियम है हम कभी भी दूसरे के सामने रात्रि भोजन नहीं करेंगे। अरे ये कैसा नियम, हाँ क्यों, जब आप दूसरे के सामने रात्रि भोजन करेंगे तब वो क्या कहेगा,
ऐसे जैन जैन धर्म और जे कर्म ऐसे काम करोगे तो आप जैन धर्म की निंदा के पात्र बनोगे। भैया जी हम तो उल्टा सोच रहे थे, क्या सोचते थे, हम तो सोचते थे घर में रात्रि भोजन त्याग बाहर की छूट, और हम आपको उल्टा नियम दे रहे हैं। क्या नियम है? बाहर में जीवन में कभी रात्रि भोजन नहीं करेंगे, घर में यदि कदाचित हमको लगने लगे कि यदि आज रात में नहीं खाया तो हम मर सकते हैं तो आप रात्रि में भोजन कर लेना, लेकिन कभी भी किसी के भी सामने रात्रि भोजन नहीं करना। मतलब यह कि आप यदि माँ हैं तो कभी बेटे के सामने रात्रि भोजन नहीं करना, वरना वो आपसे कहेगा मम्मी जैन धर्म में जन्म लेने के बाद आपने क्या सीखा, तो आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं, भगवान महावीर स्वामी के शासन पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। दूसरा नियम ले सकते हैं, आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूं जो आपको उचित लगे वो ले लेना, ठीक है। ये पहला सिस्टम हमने आपको बता दिया, आपका नियम क्या है, हम कभी भी दूसरे के सामने रात्रि भोजन नहीं करेंगे अकेली में। हाँ अकेली में खा लेना, इससे पाप लगेगा, केवल आपने रात्रि भोजन किया, लेकिन अगर सबके सामने रात्रि भोजन करोगे तो जैन भगवान के शासन पर प्रश्न चिन्ह लगेगा, जैन होकर रात्रि में खाते हैं तो लोगों को लगेगा सारे जैन भ्रष्ट हो गए या अभी जैन धर्म के लोग देखने को नहीं मिलते, इसलिए पहला नियम तो ये। दूसरा, सामूहिक रात्रि भोजन न करेंगे न कराएंगे। मतलब बर्थडे पार्टी, शादी की पार्टी, किटी पार्टी, होटल विजिटिंग, इनमें रात्रि भोजन नहीं करेंगे। इससे क्या होगा, इससे देखो एक कार्ड लिखा है, उस पर लिखा है जैन परिवार आपका स्वागत करता है, कब तक, आपके आगमन तक। अब वो सोचेगा भाई जैन लोग तो शाम को भोजन करते थे, वो कराते थे, ये कौन सी विकृति समाज में पैदा हो गई। इसलिए आप नियम लो कि हम सामूहिक ना रात्रि भोजन करेंगे ना कराएंगे, दोनों संकल्पबद्ध बंध जाए, जहां रात्रि में सामूहिक भोजन होता हो वहां हम नहीं जाएंगे, रात्रि का सामूहिक भोजन नहीं करेंगे। प्रोग्राम अटेंड करना है जा सकते हैं, लेकिन रात्रि में भोजन नहीं करेंगे, ठीक है। तीसरा, अब रात्रि में हमसे सब कुछ त्याग तो बनता नहीं, तो कम से कम नियम लें हम खाद्य सामग्री रात्रि में नहीं खाएंगे। खाद्य सामग्री मतलब हलवा, पूरी, रोटी, चावल, सब्जी, ये चीजें नहीं खाना। इतना नियम तो शायद हमें लगता है सब ले सकते हैं, अनुकूलता अनुसार ले लो, ठीक है। जिनके फिर और अच्छे आगे बढ़े तो कम से कम अष्टमी और चतुर्दशी को हम रात्रि भोजन नहीं करेंगे, ठीक। और आगे बढ़े, जितनी भी गृहस्थ महिलाएं हैं, गृहिणियां हैं, जिनकी गृहस्थी अच्छी तरह बस गई है, वो संकल्प ले लें अब हम रात्रि में कभी भोजन नहीं करेंगे। किनको छूट है, जो नौकरियां करते हैं, जो कहीं बाहर जा रहते हैं, जिनको आवागमन बहुत करना होता है, वो लोग तो कदाचित छूट रख के रात्रि भोजन ले लें, बाकी लोग पूर्णतया त्याग कर दें। जिनकी उम्र 55 साल के ऊपर हो गई है वो आजीवन रात्रि भोजन त्याग करें, अभी इसी वक्त यहीं पर, क्यों, अब टिकट कटने वाला है, पता नहीं कब नंबर लग जाए, तो आप सतर्क हो जाइए और सतर्कता पूर्वक आज ही रात्रि भोजन का त्याग करें। रात्रि भोजन त्याग से आपको कोई भी समस्या जीवन में नहीं आएगी, बल्कि रात्रि भोजन करने से जीवन में समस्याएं आती हैं। शारीरिक समस्याएं आती हैं, परेशानियां होती हैं, खाने बनाने ले जाने की बहुत प्रॉब्लम होती है, वो सब समाप्त हो जाएंगे एक बार रात्रि भोजन छोड़कर देखिए। तो कम से कम अगर बन सके तो ये चातुर्मास चल रहा है, इसे पर्व की संख्या दी है, तो चातुर्मास के 4 महीने आप प्रैक्टिस करके देखिए कि अगर हम रात्रि भोजन नहीं करते तो कितना वजन कम होगा, कितनी बीमारियां हमको लग रही हैं, कितनी समस्याएं आ रही हैं। हो सकता आप में से कोई एक आध व्यक्ति हो जो रात्रि भोजन छोड़ दे, तो हो सकता उसके प्राण त्यागने की नौबत आ जाए, तो दूसरे दिन की क्लास में वो हमको बता सकता भैया जी हमने रात्रि भोजन का त्याग किया और उसी दिन हमको रात में लगा कि आज तो जाने वाले हैं, तो फिर उनके लिए विचार करेंगे, फिर उनके लिए आगे मार्ग बताएंगे, ठीक है। तो इतनी सारी बातें ऑप्शनली हमने आपके सामने रख दी, इसीलिए कि आप कम से कम मन बनाएं कि हमने जैन कुल में जन्म लिया है तो भगवान के शासन का एक नियम है कि रात्रि में भोजन नहीं करना, तो हम रात्रि में भोजन नहीं करेंगे।
जब भी हमारे यहाँ बर्थडे पार्टियाँ शादी कुछ भी प्रोग्राम होगा हम दिन में ही उसका आयोजन दिन में ही उसका भोजन करेंगे, सामूहिक रात्रि भोजन कभी नहीं कराएंगे। तीसरा नियम, चातुर्मास चल रहा है, कम से कम 4 महीने के लिए अभ्यास के रूप में सब लोग रात्रि का भोजन त्याग करें। फिर आगे जैसा आपका मन बने धीरे धीरे अपनी मेंटेलिटी डेवलप्ड करके और आगे नियम बना सकते हैं। हमने आपको कहा पढ़ने वाले, जॉब करने वाले, दुकान जिनकी अति व्यस्तता रूप चल रही है उनके लिए भी ऑप्शनल छूट रख सकते हैं, उसमें भी आप समय की मर्यादा कर सकते हैं। हम 7 बजे तक लेंगे, हम 8 बजे तक लेंगे या हम 9 तक लेंगे, 9 के बाद 9 से सुबह 6, कम से कम इतने घंटों का तो हम सबका त्याग करते हैं। इतना नियम भी आप लेंगे तो कम से कम कितने घंटे का त्याग हुआ, कम से कम 9 घंटे का आपका त्याग हुआ। ठीक है, तो जितना आपका अनुकूलता बने उतना नियम लेना, सब नियम कुछ ना कुछ जरूर लेना और कमेंट में हमको सूचित जरूर करना कि हमने ये संकल्प लिया, क्योंकि हम जैन हैं तो हमें हमेशा जिन शासन पर गौरव हो, तो जिन शासन को हम पर भी तो गौरव हो कि हम मरते जब तक हम धरती पर जिंदा रहेंगे तब तक एक जैन तो बचा रहेगा, भगवान महावीर की आज्ञा को पालन करने वाला एक व्यक्ति तब तक जिंदा है जब तक हम जिंदा है, ऐसा हम कह सकेंगे। हाँ, कम से कम 3 नियमों का पालन करने वाला एक व्यक्ति तो बचा है, कौन है वो? वो हम है, ऐसा हमारे अंदर फीलिंग आए तो हम कुछ नियम को संकल्प को धारण करें। और जब बच्चे खूब तर्क वितर्क करें तो उनसे यही कहना, देखो जिनसे आप खूब प्रेम करते हो उनकी बातें मानते हो ना? सारी बातें मानते हो? हाँ, सब बातें मानते। हम भगवान महावीर से और उनके शासन से खूब प्यार करते हैं, इसलिए उनके शासन की 3 आज्ञाएं हम कभी नहीं टालते। बाकी हम कोई तर्क वितर्क नहीं जानते, ठीक है, न कोई तर्क करना है, न कोई वितर्क करना है, न कोई साइंटिफिक एविडेंस चाहिए, हमें भगवान महावीर की आज्ञा ही सब कुछ है। भगवान से हमेशा यही कहो, आपका शासन ही, आपकी आज्ञा ही आपका शासन है और आपका शासन हमारा सब कुछ है, इसलिए हम आज से रात्रि में अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, ऐसा संकल्प करके 9 वर्णमोकार मंत्र पढ़ना। और जब गुरु महाराज का सानिध्य मिले तब उन गुरु महाराज की साक्षी में इस नियम को धारण कर लेना। देखो मृत्यु तो नहीं होती है, ये हम आपके सामने उदाहरण है, हमने स्वयं 2008 के बाद आज तक रात्रि भोजन नहीं किया, हमको कुछ नहीं हुआ। तो 2008 से आज कितने साल हो गए? तो 8 से यहाँ पर 16 साल हो गए, 16 साल में हमको कुछ नहीं हुआ, तो आप लोगों को भी हमें लगता है कुछ नहीं होना चाहिए। फिर हमने 2012 में जून 2012 को संकल्प किया था कि अब हम रात्रि में जल को छोड़कर बाकी सब चीजों का त्याग करते हैं। देखो हमने जल के अलावा कुछ भी नहीं लिया आज तक, तो भी हमको कुछ नहीं हुआ, तो हमारे आपके सामने बैठे हैं प्रत्यक्ष हैं। तो 12 साल से हम रात्रि में उनको 3 प्रकार के आहार का त्याग किए हुए, तो भी हमको कुछ नहीं हुआ, इससे आपके सामने हम प्रत्यक्ष उदाहरण है कि कुछ नहीं होता, इसलिए हम उदाहरण दे रहे हैं आपको कि कुछ नहीं होता। बाकी हमारे निर्गंत दिगंबर मुनि महाराज तो 24 घंटे में एक बार खाते पीते हैं, तो उनके साथ भी आप देख ही रहे हैं, बहुत सारे लोग उपवास इकाशना आदि करते हैं, आप उनको देख ही सकते हैं कि किस प्रकार आत्मा की और शक्ति बढ़ती। बल्कि लोग देखने वाले ये पूछते हैं, भैया इतनी ऊर्जा आपके पास कहाँ से आती है? हम लोग तो 9 बजे खाते हैं रात में, फिर सुबह से फिर 6 बजे से खाना शुरू कर देते हैं। आप लोग तो शाम को 6 बजे खाते हो, सुबह 9 बजे के बाद खाते हो, फिर भी आप लोग बड़े स्वस्थ और तंदुरुस्त दिख रहे हैं, मतलब ऊर्जा का लेवल कम नहीं बढ़ता है। प्रैक्टिस में लाओ, आपको बहुत आनंद आएगा, कोशिश करो, ठीक है। औषधियां दवाई हैं उनकी छूट, बीमारी की विशेष परिस्थिति की छूट रखकर नियम लेना, ठीक है। नियम कैसे लेना कि हे प्रभु हम आपके शासन की आज्ञा में आपके परोक्ष साक्षी में या भगवान के सामने जाएं मंदिर में तो आपके प्रत्यक्ष साक्षी में आज से रात्रि में इन इन वस्तुओं का या फिर खाद्य वस्तुओं का या फिर आपको जो भी त्याग करना है उतना त्याग करते हैं। और हे प्रभु किसी प्रतिकूल स्थिति में, रोग आदि की स्थिति में, अस्वस्थता की स्थिति में या किसी बहुत भयानक परिस्थिति में हम इस नियम में थोड़ी सी ये छूट रखते हैं। वो छूट रख के एक श्रीफल भगवान को चढ़ा करके और 9 वर्णमोकार मंत्र पढ़ के ये संकल्प लेना और गुरु महाराज जब मिलें तो गुरु महाराज के सामने जरूर संकल्प करना,
उससे क्या होगा, कोई गलती होगी तो प्रायश्चित लेने उनके पास जा पाओगे, जब कोई गलती होगी तो आप उन्हें बता पाओगे कि ये गलती हो गई है। जब आपको कभी ऐसा लगेगा नहीं नहीं आज तो नियम तोड़ दो, तो आपको डर लगेगा देखो महाराज के सामने लिया था, महाराज को पता चल गया तो आप अच्छी तरह संकल्पबद्ध होकर जिनेन्द्र भगवान के शासन का गौरव बढ़ाएं। ऐसी मंगल भावनाओं के साथ ओम सिद्धम।